हेलो माय डियर वॉरियर्स, आई एम नेहा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन में। आज मैं आप सभी के लिए डायरेक्टेड प्रिंसिपल्स लेके आई हूँ, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, चाहे डिफेंस का सीडीएस, एफकैट, आर्मी जीडी, या फिर और कोई एमएनएस का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हुआ, या फिर बैंकिंग का एग्ज़ाम हुआ, रेलवेज़ का एग्ज़ाम हुआ, या फिर एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, किसी भी एग्ज़ाम के लिए डायरेक्टेड प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इन्यूमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिया हुआ है और ये आर्टिकल 36 से 51 तक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 37, दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। तो ये कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में है क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। अब डीपीएसपी के पूरे डिटेल में पढ़ते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो पहला है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आर्टिकल 38 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 38 में दिया हुआ है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, द सेकेंड प्रोविज़न इज एडेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है 1978 में। तो अब इसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है द राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लेवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। नेक्स्ट पॉइंट, द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस अगेन फॉर साइबल अब्यूज। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये आर्टिकल 39 में, आर्टिकल 39 कब जोड़ा गया था, आर्टिकल 39 एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A में क्या है, तो इसमें है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। इट वॉज एडेड बाई द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है 1976 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो नेक्स्ट में है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में क्या दिया है, आर्टिकल 41 में दिया है टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 42, टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। नेक्स्ट पॉइंट इज आर्टिकल 43, टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। नेक्स्ट इज आर्टिकल 43A, इसमें क्या है, इसमें देखते हैं टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज,
It is added by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. ये भी 42nd Constitutional Amendment के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में. तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज आर्टिकल 47. इसमें है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ. तो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है गांधीयन प्रिंसिपल्स. तो कुछ वो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, ये तीन प्रिंसिपल हैं. तो उसका सेकंड है गांधीयन प्रिंसिपल. गांधीयन प्रिंसिपल में क्या दिया है, ये आर्टिकल 40 से है. आर्टिकल 40 में है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडो दैम विथ नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू इनेबल दैम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. आर्टिकल 43 में है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज. आर्टिकल 43B में टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन ऑटोनोमस फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड टू प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज. इट वॉज एडेड बाई 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011. ये 97th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2011 में जोड़ा गया था ये. तो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है आर्टिकल 46 टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एस सीज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में है ये एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लोइटेशन. नेक्स्ट इज आर्टिकल 47 टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजरियस टू हेल्थ. नेक्स्ट इज आर्टिकल 48 टू प्रोहिबिट द स्लॉटर्स ऑफ काउज calves and other milch and drought cattle to improve their breeds. Next hai. Next is liberal intellectual principles. To isme article 44 mein kya diya hai, article 44 mein diya hai to secure for all citizens a uniform civil code throughout the country. आर्टिकल 45 में दिया है टू प्रोवाइड चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अनटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स. दिस प्रोविज़न वाज एडेड बाय द 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट के द्वारा. द प्रोविज़न प्रीवियसली वाज टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अनटिल द एज ऑफ 14 ईयर्स. इसमें 14 साल के तक के बच्चों को फ्री कंपल्सरी एंड फ्री दिया जाएगा एजुकेशन. नेक्स्ट है आर्टिकल 48. आर्टिकल 48 में दिया है टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस. नेक्स्ट है आर्टिकल 48A. इसमें दिया है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. This provision was added by the 42nd Amendment Act 1976. ये 42nd Amendment Act के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था. तो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है आर्टिकल 49. आर्टिकल 49 में टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्ट्स और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस. नेक्स्ट आर्टिकल 50 में क्या दिया है. आर्टिकल 50 में दिया है टू सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट. आर्टिकल 51 में दिया है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी obligations and to encourage settlement of international dispute by arbitration.
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे DSPC के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स में और अपने फीडबैक कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।